मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है। मैंने क्या नहीं, नहीं आप रिमूव कर दीजिए मैम। अब मैं क्या करूं? मैंने भी तो सारा दिन मेहनत किया। तो बताइए मैम, क्या सर्विस चाहिए आपको? एक्चुअली मेरे फ्रंट साइड में ना बहुत ज्यादा ग्रे हेयर हुआ, तो ये कवर अप होना चाहिए और थोड़ा ट्रीटमेंट करके एक अच्छा सा लुक चाहिए हेयर एक्सटेंशन का। हेयर एक्सटेंशन करना है? ओके, थिकनेस काफ़ी कम है ना, इसलिए वॉल्यूम क्रिएट करना है। ओके ठीक है, तो आपके जो अभी हेयर है वो मैं कलर वगैरह करके सेम एज इट इज़ में मैच करके आपको कर देती हूँ। ये जो कलर आप दे रहे हैं ना, ये अच्छा लगेगा तो मेरे कॉम्प्लेक्शन में। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैंने आपको शेड चार्ट भी दिखाया था ना। हाँ हाँ। तो सेम मैं वही कलर आपको दे रही हूँ जो आपने पसंद किया है। तो ये देखिए कलर आपका डन, कैसा लग रहा है कलर? एज इट इज सेम है ना? हाँ कलर तो अच्छा है। वाओ, कलर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, देखा जाएगा आगे क्या क्या होगा। पेमेंट तो मुझे नहीं करना है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ ना, वैसे आपके हेयर जितने डैमेज है ना, तो इस पर अगर मैं ट्रीटमेंट कर दूंगी तो ये एक हेल्दी लुक आ जाएगा। और आप तो एक्सटेंशन अटैच करोगे ना, तो ट्रीटमेंट के बाद अगर मैं करूँगी ना तो एक लुक भी बहुत अच्छा क्रिएट होगा। और आपने जो कलर किया है ना, वो कलर भी प्रोटेक्ट होगा और आपके हेयर भी हेल्दी दिखेंगे। तो ये रहे देखिए एक्सटेंशंस की लेंथ, ठीक है? हाँ, ये परफेक्ट है। बट एक बार दिखाइए मेरा हेयर से ये मैच कर रही है या नहीं। देखिए आपके हेयर कलर से सही है, एकदम मैच्ड है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट एकदम सभी तो ठीक है। कलर भी मैच किया, एक्सटेंशन भी परफेक्ट है। ठीक है, पहले आगे लगा तो लो, देखते हो क्या होता है। तो मैम देख लीजिए आपका सर्विस डन, एक्सटेंशंस वगैरह सारा कुछ मैंने अटैच कर दिया है। तो ये देखिए मैम, फ्रंट से आपका लुक कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा दिख रहा है। वाओ, मेरा बाल कितना सुंदर हुआ, कितना गॉर्जियस, कितना मैच किया। वाओ, बट पेमेंट तो मुझे नहीं करना है। हरगिज मैं पेमेंट नहीं करूँगी, थोड़ा मुझे ड्रामा करना ही पड़ेगा। तो मैम आपको पसंद आया सारा सर्विस डन, आइए काउंटर में थोड़ा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट किस चीज़ के लिए पेमेंट? थोड़ा मैच नहीं हुआ, कलर मैच नहीं हुआ। नहीं, मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा करेंगे। मेरे को कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई पेमेंट नहीं मैम देना है। ये मैंने सारा दिन आपने खुद भी कहा ना, आप देखिए ये थोड़ा मैच भी नहीं किया, कलर नहीं आया, किस चीज के लिए मैं पेमेंट करूंगी? मेरे हस्बैंड तो मेरे घर से निकाल देंगे मुझे। ये देखिए आपके कलर तो बिल्कुल नहीं मैम, मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ आप सारा कुछ मैंने किया, आप रिमूव कर दीजिए मैम, आप रिमूव कर दीजिए प्लीज, मुझे पेमेंट नहीं करना है। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में है। अभी मैं कैसे आपका रिमूव करूं? मैंने जस्ट अटैच किया, इससे आपका भी नुकसान होगा ना, आपके हेयर भी खराब हो जाएंगे। अब ऐसे नहीं मैम, आप देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। आप देखिए, मेरे तो पेमेंट मैं तो नहीं करूंगी, मैं बोल दिया मैं पेमेंट नहीं करूंगी मैम। लेकिन आप देखिए, आप मैच नहीं किया, कलर से मैच नहीं किया, आप देखिए ना, मैं तो देख रही हूं। आप देखिए, आपको जैसा चाहिए रही हूं ना, मैं तो देख रही हूं। तो अभी मैं सारा दिन मैंने काम किया, अभी मैं अब मैं क्या करूं? मैम प्लीज आप रोइए मत, मैंने भी तो सारा दिन मेहनत किया। नहीं मैम, नहीं प्लीज, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में है मैम, प्लीज। ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएट हमने किया था, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा बहुत फ्रॉड हो रहा है। बहुत से ऐसे शॉपकीपर है जहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट भी कुछ लोग परचेस करने जाते, कुछ परसेंटेज लोग ऐसे ही हैं, सारे कस्टमर्स ऐसे नहीं होते हैं। सैलून हो या कोई भी शॉप ओनर हो आप, या जहाँ पे भी आप काम करते हो,
तो ऐसे कुछ परसेंटेज कस्टमर्स है जो कि ऐसा करते हैं सर्विस लेने के बाद या सामान परचेज करने के बाद, वो बोलते या तो सामान ख़राब है या सर्विस पसंद नहीं आया, डेट्स वाई वो पे नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ है रियल में, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में हुआ, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया है ताकि आप भी अवेयर हो जाओ और इस तरीके के क्लाइंट से भी अवेयर रहो। सभी क्लाइंट ख़राब नहीं होते, इनके जैसे बहुत अच्छे होते हैं और इन्होंने सर्विस लेने से पहले सारा पेमेंट कर दिया था। तो हमारे क्लाइंट बहुत अच्छी हैं ये। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? एक्चुअली ये लोग मेरे फ्रेंड नहीं है, मैं भी एक क्लाइंट हूँ और मैं होल डे देखा ये सब लोग कितना मेहनत किया, कितना हार्ड वर्क किया। तो ये काम ना बिल्कुल गलत है, ये काम लेकर मैं पेमेंट नहीं करूँगी, ये चीज़ सही नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप इस तरह के लोगों को रोकने के लिए आप लोग अगर कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं या आप इस तरह के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इस तरह के लोगों के साथ क्या करना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। जो भी लोग, जो भी बंदे हमारी तरह काम करते हैं वो इस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार सजेस्ट ज़रूर कीजिए हमें। थैंक यू।